जैसे राम परम्परे मेरे भाई बहन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत अजा एकादशी अथवा जया एकादशी नाम से जाना जाता है, जो इस बार हम सभी लोगों को रविवार 10 सितंबर 2023 को प्राप्त हो रहा है। पारण 11 सितंबर को प्रातः 6:05 से लेकर के 8:30 के मध्य करना उत्तम श्रेष्ठ रहेगा। आज मतलब बकरी, जिससे बकरी हरे चारों को खा जाती है, उसी प्रकार से ये जो अजा नाम की एकादशी व्रत है हमारे पापों को नष्ट कर देगी, हमें निर्मूल कर देगी और विशिष्ट पुण्य की प्राप्ति होगी जो बड़े बड़े सत्कर्मों से हमें प्राप्त होता है। इस व्रत की विधि वैसी ही है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत का पालन करते हैं। एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग करते हुए, पवित्रता से रहते हुए और एक समय भोजन करते हुए एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय के पहले अथवा जब भी जगह आसपास तीर्थ नदी हो तो वहां जाके स्नान करें, नहीं घर में ही सामान्य स्नान करके उसमें 2 बूंद गंगा जल इत्यादि मिला करके स्नान कर लेना चाहिए। जो ऑफिस गोइंग है, हालांकि उस दिन रविवार है तो बड़ी सुविधा है, नहीं तो मेरे भाई बहन सेविंग नहीं करना चाहिए। जिनकी मजबूरी है, जीव का साधन है, उनकी बात अलग है। उसके साथ ही नेल पॉलिश इत्यादि जो भी अल्कोहल की वस्तुएं, इनका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए तो कन्हैया जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान श्रीमन नारायण जी का, हरि जी का अथवा राधा माधव, जिस रूप में आपकी विशेष श्रद्धा हो, भक्ति हो, उनकी विशेष सेवा पूजा करानी चाहिए, करनी चाहिए। आचार्य पुरोहितों को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना तो बहुत ही उत्तम रहता है। इसके साथ में ही रात्रि जागरण करना चाहिए। व्रत में जैसे कि निर्जला रहना उत्तम है, फिर दूध पी करके अथवा फल खा करके इसके आगे चीजों को खाना चाहिए, जैसे आराम बहुत उत्तम नहीं माना जाता है। बस यही रहता है कि अन्न खाने का दोष नहीं लगता है। जो वृद्ध हैं, बालक हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जो वैसे अनजान है, नादान है, तो विवश है, रोगी हैं, उन सभी लोगों के लिए भी रोटी सब्जी इत्यादि बना के देना चाहिए। मसूर का दाल, बैगन, चावल इत्यादि तो भूल करके भी नहीं बनाना चाहिए। रात्रि जागरण करते हुए ये व्रत जो है कथा सुनना, श्रवण करना चाहिए। कथा प्रातः भी श्रवण कर सकते हैं, मध्यान्ह भी, सायंकाल भी कर सकते हैं। इसमें अजा नाम की, जया नाम की जो एकादशी व्रत की कथा, ये भी जो है युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि युधिष्ठिर जी, ये कर्म का प्रभाव ऐसा होता है और जो सन्मार्ग पे रहते हैं, आप भी, कई प्रश्न मेरे पास आता है, गुरु जी हम बहुत सत्कर्म करते हैं पर घर में धन की कमी रहती है अथवा हमारे ही ऊपर परेशानी आती है, तो मेरे भाई बहन सोने को ही जो है परीक्षण किया जाता है। लेकिन आपको पता है, लोहा हो अथवा सोना हो, लोहे पे थोड़ा भी पानी पड़ेगा उसमें जंग लग जाएगा, पर सोने में जंग नहीं लगता है। लोहा मतलब जो नकली दिखावे में पूजा करते हैं, थोड़ी भी परेशानी आएगी वो बदल जाएंगे, उनकी भक्ति में जंग लग जाएगी, पर सोने की तरह जो भक्त हैं, कितने भी जीवन में विपत्ति आ जाए सत्य धर्म को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही महाराजा हरिचंद जी थे, उनके ऊपर ये कथा आई है कि वो बहुत बड़े, कह सकते हैं पूरा चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने स्वप्न में जो है अपने राजपाट का दान जो है ऋषिवर को कर दिया था। दिन में ऋषिवर आते हैं, कहते हैं आपने तो दान किया था स्वप्न में, वो स्वीकार कर लेते हैं, पूरा राजपाट उनको दे देते हैं, अपनी पत्नी जी को और अपने पुत्र को लेकर के आगे आते हैं। कथा बहुत बड़ी है, समय अनुसार वो लोग बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। राजा भी बहुत ही विवश होकर के एक चांडाल डोम के यहाँ, जो उस समय श्मशान पर जो है लोगों से पैसा लेकर के उनका दाह संस्कार क्रिया इत्यादि करवाता था, उसके यहाँ जो सोचे जो महान पूरे चक्रवर्ती नरेश थे, वो भी सत्य के कारण कि स्वप्न में उन्होंने दान किया था। आज कितने यजमान मेरे हैं जो प्रत्यक्ष जो है गौदान जो है कर दिए हैं और उनको 2-4 बार मैंने स्मरण भी दिलाया, मुझे नहीं चाहिए था, किसी गौशाला में या सुपात ब्राह्मण को जो गो को रख सकते हैं वहां में भिजवा देता, पर वो लोग बदल जाते हैं। कई लोग कहते हैं गुरु जी ये पूजा कराऊंगा आप, उसमें भी बदल जाते हैं। जय जय सियाराम, कितना बदलते हैं कहना बहुत ही कठिन है। वो निंदा करने का दोष लग सकता है अथवा ये बीटियों लंबा हो सकता है, लेकिन स्वप्न में किया हुआ दान जो है महाराजा, इसलिए हम लोग आज भी सत्यवादी, आप सत्यवादियों के हरिचंद जी का नाम लेते हैं।
तो वहां पर जो है उनका स्वामी था नहीं, वही पूरा श्मशान की व्यवस्था देख रहे थे। परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पर परीक्षा, जैसे आईएएस पीसीएस जो लोग बनते हैं अथवा उसके आगे बनते हैं, तो सोचिए उनको कितना एग्जाम देना पड़ता है। ऐसे ही जो पवित्र लोग हैं, पुण्यात्मा लोग हैं, अच्छे लोग हैं संसार में, उनको हर पग पग पर जो है एक एक जो है परीक्षा देनी पड़ती है, अपने धैर्य की, अपने संतोष की, अपने धर्म की। कितना भी हो जाए अपने नियम को वो नहीं बदलते हैं। यहाँ तक विदेशों में भी जाते हैं तो ऐसे होटल में नहीं खाते, या अपने देश में जहाँ वेज नॉन वेज दोनों हो। तो मेरे भाई बहन वो भी देव कारण से जो है माया रूपी स्वप्न कह सकते हैं, स्वप्नवत सर्प आकर के उनके पुत्र को डस लेता है, उनकी पत्नी विवश हो जाती है, वो लगता है उनको कि जय जय सियाराम, चूंकि परीक्षा हो रही थी बच्चा मर जाता है। फिर जहां पर ये महाराजा हरिचंद डोम के रूप में डोम राजा के सेवक बन करके वहां से टैक्स वगैरह लेते थे, उनके पास आती है उनकी पत्नी, लेकिन वो अपने पुत्र के शव देख करके भी उनके मन में जरा भी नहीं आता है। कहते हैं देवी मुझे जो है टैक्स दो तो मैं जो हूं यहाँ संस्कार करने का परमिशन दूंगा, करने दूंगा। कुछ पत्नी के पास रहता ने अपना वो साड़ी चीरती है रोते हुए, उसी समय जो है देवगण प्रकट हो जाते हैं। इसके बीच की एक कथा और आती है कि बहुत दुखी थे, इनको लगता था कि मैं ऐसे जीवित रहकर क्या करूंगा, हमारा बच्चा हमारी पत्नी राजपाट गया कोई बात नहीं, पर जिनके सुख का कारण प्रभु ने मुझे बनाया है मेरे कारण वो भी दुखी हो गए हैं, मैं कैसे क्या करूं, ऐसे जीवन से तो मर जाना ही उचित है, ऐसा वो मन में विचार कर रहे थे। उसी बहुत दिन बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए तो एक गौतम ऋषि जी वहां पर आए थे। गौतम ऋषि ने कहा था कि महाराज आप चिंतित मत हो, आपका दुखित मत हो, निश्चित ही आपका पुनः राजपाट सब कुछ वापस प्राप्त हो जाएगा, आपके परिवार मिल जाएगा, आप आने वाली भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज नाम की एकादशी का पूरा नियम पूर्वक पालन कीजिए। महाराजा ने वैसे ही किया था और उसके बाद में ये घटना घटी। फिर वो बच्चा आया और जैसे उन्होंने वो किया और उनको परमिशन दिया कि अब जाकर के तुम जला सकती हो यहाँ पर या गाड़ सकती हो, तुरंत देवगण प्रकट हो गए, पुष्पों की वृष्टि हुई और जो भी ऋषिजन उनकी परीक्षा ले रहे सब प्रकट हो गए, महाराजा की जय जयकार हो गई। और आज तक हम लोग सत्यवादी हरिचंद का नाम जप करते हैं और उनके नाम से सत्य की परीक्षा होती है। तो मेरे भाई बहन ये आज एकादशी व्रत का इसमें बहुत बड़ा प्रभाव है। तो मेरे भाई बहन ये व्रत अवश्य रहिए, कुछ इसमें संदेह हो, मन में दुविधा हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। जैसे कि व्रत के बाद में पारण के पहले हमें गोग्रास इत्यादि निकालना चाहिए, प्रभु की सेवा करनी चाहिए, और जो है चूंकि एकादशी को दो टाइम भोजन नहीं किया गया तो कम से कम दो खुराक अन्न, उचित तो है कि चार खुराक अन्न पर व्यक्ति जो है दान करना चाहिए, जितना भी हो सके प्रयास करना चाहिए, मन से करना चाहिए, आत्मा से करना चाहिए, बिना कंजूसी किए हुए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में, अभी तो कन्हैया जी का प्रादुर्भाव हुआ है, पूरा नंदोत्सव चल रहा है, अभी छठी का भी उत्सव होगा, ऐसे खुशियां आप सभी के जीवन में भी बरसती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जय सियाराम, जय श्री कृष्णा।